अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जैनीस किचन। लेकिन ये किचन नहीं है, आज हम व्लॉग बना रहे हैं। खाला के घर में है और एक तरफ बन रही है मीठी मीठी सी शीर खोरमा और ये मैं बना रही हूँ बैंगन का भुरता। और व्यूअर्स, ये जो है खाला के घर में है और ये मैं बैंगन का भुरता बना रही हूँ। मसाला भी रेडी हो रहा है और मम्मा तो कुछ बहुत ही मज़े की चीज़ बना रही है। घर को किस तरह से वेल डेकोरेट किया जाता है आप इस तरह से अच्छी तरह से देखें कि किस तरह से अच्छी सी सनलाइट जो है वो आ रही है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो जी, ये है 12:10। ओके, चले आइए किचन में जाते हैं। तो अम्मी, ये आप क्या बना रही हैं? ये आपने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं? ये मैं सेवैयाँ बना रही हूँ, शीर कोरमा, और इसको मैंने पहले थोड़े से आयल में सेवियों को कर लिया है, फ्राई कर लिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है कि सेवैयाँ नरम हो जाए, और वो थोड़े से नरम हुई हैं तो उसके बाद फिर मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है, इलायचियाँ कूट के डाली हैं, सात चीनी भी डाल दी है, और अब ये हल्की आंच पे इनको पकने के लिए छोड़ दिया है। और जब ये अच्छी तरह पक जाएंगी और गाढ़ी गाढ़ी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हमारी सेवैयाँ तैयार हो जाएंगी और बहुत मज़ेदार सेवैयाँ तैयार, बहुत मज़े की। फिर इसमें आपका दिल चाहे तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दें तो ये बहुत मज़ेदार शीर खोरमा या आप सेवैयाँ जो भी बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। और ये साथ साथ हम बना रहे हैं बैंगन का भुरता और ये एक बड़ा मज़ा आ रहा है। तीन तीन लोग मिलके हम कुकिंग कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बैंगन के भुरते की रेसिपी ऑलरेडी जो है अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरह बनाना। ये भी खाला की फरमाइश पे बन रहा है और मामा कह के गई हैं कि मेरी सेवैयों को देखती रहना, चेक करती रहना। तो ये मैं चेक कर रही हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट कुकिंग करनी है, नेक्स्ट जो हमने डिश बनानी है वो भी बताएंगे आपको। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यार, बड़े मज़े का बैंगन का ये भुरता बन रहा है। बिलीव भुरता तैयार है, शीर खुरमा अम्मी का तैयार हो गया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिलीशियस। इसकी खुशबू जो है, लुक भी बहुत अच्छी है। और अब मैं बनाने वाली हूँ कुछ डिफरेंट। अब मैं बना रही हूँ बिल्कुल एक डिफरेंट डिश है ये, और ये हम बना रहे हैं सीख कबाब की कढ़ाई। और ये टमाटर का पेस्ट जो है बहुत ही इजी है, पेस्ट बना के उसको जो है और अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और अम्मी बहुत बर्तनों में शोर मचा रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये दही और कुछ जो रेगुलर बेसिस पे जो आप मसाले यूज़ करते हैं वो हमने मैरिनेट करके रख दिया था, और इसकी हमने सिंपल कढ़ाई बनानी है। इसमें कोई टमाटर, कोई प्याज, इस तरह की चीज़ें नहीं, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट और जो डेली रूटीन के मसाले हैं वो आपने इसमें ऐड करके मैरिनेशन के लिए रखना है। साथ ही हम दूसरी जगह पे बना रहे हैं सीख कबाब कढ़ाई के लिए मसाला, चूल्हा लगा के और इसको हमने ढक के रख देना है और 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, आपने ये करना है कि आपने टमाटरों को बहुत ही अच्छी तरह से जो है अच्छी तरह से भूनना है, और अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, दूसरी तरह काट के भी भून सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। तो ये आज हम आपको इसमें एक डिफरेंट बताएंगे सीख कबाब कढ़ाई के साथ। ये देख लें व्यूअर्स, ये हैं रेडीमेड सीख कबाब। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊंगी, और इसको आपने इस तरह से इसमें डाल दिए। अब आपने क्या करना है कि इसको बहुत ही प्यार से, आराम से इसमें मिक्स करना है। आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ओहो,
सब्ज मिर्चें कहाँ गई, ये जी सब्ज मिर्चें सारी उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये थोड़ी सी और भी रह गई है। अब आपने इसको बहुत ही प्यार से एक मिनट के लिए इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि वरना ये बिल्कुल जो है टूट जाएंगे कबाब। आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी डिलीशियस लुक है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। एक मिनट के लिए आपने ढक देना क्योंकि कबाब ऑलरेडी जो है वो रेडीमेड है, तैयार है। और चिकन भी चेक करते हैं तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ये ज़रा आज थोड़ा देसी स्टाइल सिस्टम हो रहा है, ज़बरदस्त। चलें जी इसको भी भूनते हैं। एक मिनट हो गया, यम्मी, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत ही आराम से जो है आपने माशाल्लाह व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि कबाब कढ़ाई रेडी है और किस कदर डिलीशियस खुशबू आ रही है, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। दस जो है सीख कबाब कढ़ाई रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही डिलीशियस लुक है। खाला के घर में आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है लंच होने वाला है। अच्छा, तो ये चिकन की जो वो दही वाली कढ़ाई है ये तैयार हो रही है, तो पानी भी ड्राई हो गया। अब इसको हमने गरम मसाला के साथ थोड़ा सा इसको भूनना है, तो उसके बाद ये बिल्कुल तैयार होगी। आप देख लें, ज़बरदस्त डिलीशियस, बहुत खूब, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का ये दही वाला जो चिकन कढ़ाई है बन रही है और बन चुकी है। बस इसमें ज़रा सी मैं ग्रेवी करूँगी क्योंकि पापा को थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है, तो ये तैयार है ऑलमोस्ट। दही चिकन जो है वो बहुत ही डिलीशियस लुक के साथ रेडी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आज तो बहुत ही तबाही का लंच होने वाला है, इधर बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें खाला जो है वो चटनी तैयार कर रही है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं खाने जो हैं वो तैयार हैं और अब हम लंच करने वाले हैं। खाला ठीक कर रही हैं अपने मुताबिक और ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। अब हम लंच करने वाले हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।